थर्ड चैप्टर फॉर टुडे इज सूचर्स एंड नॉट्स। तो टाइप्स ऑफ नॉट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, स्क्वेयर, ग्रैनी और सर्जन। जो स्क्वेयर होता है वो सिक्योर होता है, सर्जन भी सिक्योर होता है, रीफ भी बोलते हैं स्क्वेयर को, वो भी सिक्योर। तो सिक्योर के तीन नाम है, सर्जन, स्क्वेयर और रीफ। ग्रैनी या स्लिप नॉट जो होता है, स्लिप के तो नाम में ही है कि वो इनसिक्योर है, इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होती है। उसके बाद स्किन की सूचरिंग, स्किन में क्या होती है, इवर्टेड एजेस रखना चाहते हैं हम, और बावल में हम इन्वर्टेड, बावल अंदर होती है तो उसमें इन्वर्टेड एजेस, और स्किन बाहर होती है तो उसमें इवर्टेड एजेस। उसके बाद थ्री इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें सूचर करने के लिए, नीडल होल्डर, टूथ फोर्सेप और स्ट्रेट सीजर। उसके बाद हमें क्या याद करना है कि मैट्रिस सूचर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मैट्रिस ऊपर, मैट्रेस दो लेयर्स में होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है उससे इवर्जन और हीमोस्टैसिस होता है। हीमोस्टैसिस मतलब कि जो होगा ज़्यादा खून नहीं बहेगा, और वर्टिकल जो होता है वो इवर्जन होता है, सिर्फ इवर्जन करता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ द वूंड, इफ़ द डेप्थ ऑफ द वूंड इज़ एक्स, तो दो बिटवीन टू सूचर्स 2x डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब अगर आप इतना गहरा सूचर लगा रहे हो तो दो सूचर्स के बीच में इतना डबल गैप होना चाहिए। उसके बाद सूचरिंग टेक्निक्स, सबक्यूटिकुलर सूचर्स हो सकते हैं, एबरडीन या कॉबलर सूचर हो सकते हैं, रनिंग लॉक्ड सूचर्स हो सकते हैं, और फार नियर, नियर फार सूचर्स हो सकते हैं। नाम याद करना है, डजन कम। उसके बाद कॉस्मेटिकली बेटर कौन सा होता है, बस ये याद करना है, किससे लगता है ये याद करना है। सब क्यूटिकुलर सूचर जो होता है वो मार्क्स नहीं छोड़ता स्किन पे, कॉस्मेटिकली बेटर और 3-0 मोनोक्रिल से लगता है, बाकी दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बावल एनास्टोमोसिस जो होता है ये 3 लेयर्स में, सिंगल लेयर हो सकता है एक्स्ट्रा म्यूकोसल, 2 लेयर्स में हो सकता है, इसमें 2 लेयर्स होंगी। फर्स्ट लेयर जो होगी वो एल्बर्ट लेयर होती है, इसमें कंटिन्यूस सूचर लगते हैं और विक्राइल, और जो सेकेंड लेयर होती है वो लैम्बर्ट लेयर होती है, उसमें इंटरप्टेड सिल्क। इसको आप ऐसे याद करोगे कि फर्स्ट फर्स्ट लेयर मतलब ए, ए से एल्बर्ट, एल्बर्ट लेयर में विक्राइल यूज़ होता है, और सेकेंड जो होती है वो बाद में आती है, बाद में होगा लैम्बर्ट, इंटरप्टेड सूचर और सिल्क। उसके बाद स्टेपल्ड, स्टेपल्ड होता है, दो टाइप के स्टेपलर हो सकते हैं, लीनियर स्टेपलर या सर्कुलर स्टेपलर। लीनियर स्टेपलर ये होता है, ये ऐसे बावल, ये हमारा जैसे स्टमक है उसके ऊपर लीनियरली हमारे स्टेपल करेगा और सीधा होता है, और जो सर्कुलर होता है वो हीमरॉइडोपेक्सी, हीमरॉइड्स की सर्जरी बेसिकली, जहाँ पे भी कोई गोल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वहाँ पे हम सर्कुलर स्टेपलर यूज़ करेंगे। अब लीडिंग कॉज ऑफ लीक क्या होता है, इंक्रीज टेंशन, अगर कहीं पे भी खिंचेगा तो हमारा लीक हो सकता है। डिस्पैरिटी ऑफ द इंट्राल्यूमिनल साइज, अगर इंट्राल्यूमिनल साइज एक छोटा है एक बड़ा है, जैसे आप कोई बावल मतलब लार्ज बावल को स्मॉल बावल से करना चाहो अगर एनास्टोमोस, तो उसमें डिस्पैरिटी ऑफ द ल्यूमिनल साइज हो रहा है, यहाँ पे हमारा चीटल स्प्लिट बोलते हैं इसको, ये टूटेगा तो इसमें क्या आएगा, ये लूप टूटेगा तो चीटल स्प्लिट। कोनेल्स लूप होता है एज ऑफ द एनास्टोमोसिस, जो हमारी एज से हम जोड़ते हैं एनास्टोमोस करते हैं उसको कोनेल लूप बोलते हैं। उसके बाद नीडल के साइजेस, कितने टाइप की नीडल्स हो सकती हैं, राउंड बॉडी मतलब बिल्कुल ऐसे गोल होगा उसका क्रॉस सेक्शन, कटिंग नीडल मतलब ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन, रिवर्स कटिंग मतलब उल्टा ट्रायंगल, हाफ सर्कल मतलब ऐसे, ये होती है GIT के लिए, जो हम नॉर्मली स्किन और फेशिया के लिए यूज़ करते हैं वो ट्रायंगल्स वाली यूज़ करते हैं, और ये जो हमारी जीरो गोल वाली थी ये एट्रोमेटिक होती है, इसमें हम सिर्फ पकड़ने के लिए, जैसे बावल को, जिस भी स्ट्रक्चर को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बावल, ब्लैडर, यूरेटर, CBD। कटिंग और रिवर्स कटिंग मतलब जिसमें हम बिल्कुल स्किन को तो हम सी देते हैं, तो इसमें स्किन के अंदर हम कटिंग और रिवर्स कटिंग से जाते हैं, हाफ सर्कल हम GIT सिलते हैं, जे शेप हम वजाइना के लिए यूज़ करते हैं, और कंपाउंड सर्कल हम ओरल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद सूचर्स में आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है, इसके लिए मैंने जो सिंपल टेक्निक लिखी है वो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद कर लो, इतना याद करना मेरे हिसाब से काफ़ी है। इसके अलावा आपको अगर याद करना है तो आपको बस ये याद करना है, ये टेबल बना लेना अपनी नोटबुक में। नेचुरल मोनोफिलामेंट होता है कैटगट, ब्रेडेड सिंथेटिक होता है विक्राइल और सिल्क,
मोनोफिलामेंट सिंथेटिक होता है, मोनोक्रिल, पीडीएस, नायलॉन। आप मिन मोनोफिलामेंट के लिए मेरा निमोनिक है पीएम ने काटा, कैट काटा से कैटगट है, पी से है पीले, पी से पीडीएस है, एम से मोनोक्रिल है, एन से नायलॉन है, और काटा से कैटगट है। उसके बाद बाकी आपको ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है।